अरे तूने कल का मैच देखा, कितना बेहतरीन शॉट मारा था ना। अरे भाई वैसी पारी खेलने के लिए ना हिम्मत होनी चाहिए, समझे। सुन तू ये सब बातें रहने दे, वहाँ देख कौन आ रहा है। चल थोड़ी मस्ती करते हैं। ओ हेड दादाजी कहाँ जा रहे हो, टकले पे बाल उगाने। बदमाश कहीं का, हमेशा लोगों का सर परेशान करते रहते हो। दादाजी आपका टकला क्या धूप की वजह से गर्म हो गया है। अरे लफंगे देखना, एक दिन तुझे अच्छा सबक मिलेगा और तेरे माथे के जितने भी बाल हैं सब उड़ जाएंगे। लेकिन दादाजी मेरे सर पर तो बाल की भरमार है। लेकिन एक दिन तुम्हारे इसी सिर पे एक बाल नहीं बचेगा, मैं ये तुम्हें अभिशाप दे देता हूँ। क्या, अरे भाग 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 भाग, दादाजी अभिशाप दे रहे हैं। अरे वो लड़के याद रखना, तुम्हारे सिर पर एक चोटी रह जाएगी। अरे बाप रे, मैं तो सपना देखकर डर ही गया था। तुम्हारे सिर पर सिर्फ एक चोटी ही रह जाएगी, हाँ, और ये मैं अभिशाप देता हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन। एनी प्रॉब्लम सर? यस, नो नो नो, यस यस, यू आर अ वेरी रिलीजियस मैन, आई मीन तुम्हारी चोटी। ठीक, वो बोलो सर, दिस इज बाल सर, हेयर। बाल नहीं, दैट कैच, दिस इज अ चोटी। आई एम वेरी सॉरी। सूरज साहब आपकी सीवी बहुत अच्छी है, लेकिन दुनियादारी से भरी हुई एक मार्केटिंग जॉब के लिए मेन नायड पवित्र चोटी नहीं चलेगा। आप जब पंडित का काम करना शुरू करें हैं तब मुझे जरूर बताइएगा। क्या? राम नाम सत्य है। और एक आ गया, अच्छी तरह से देख लेना, अगर ये सही निकला तो इसे यहाँ से उठाकर सीधे ब्रह्मदित्य दादाजी के पास ले जाएंगे। ये तो नहीं है, कितनी घातक अराजकता है, एक भी टिक वाला इंसान मर ही नहीं रहा है। एक भी ऐसा मरा हुआ इंसान नहीं मिला जिसका टिक हो, एक भी ऐसा मरा हुआ इंसान नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा? अरे चुप, तुम्हारा गाना सुनकर मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाएगा। ओहो, अब तुम इतना मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? मैंने एक इंतजाम किया है, एक लड़की के घर वाले आ रहे हैं कल शाम 5 बजे, वो लोग घर जमाई ढूंढ रहे हैं, समझे? अरे बेवकूफ, बात बन गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन पापा तो कहते हैं कि पुरुष को आत्मनिर्भर होकर शादी करनी चाहिए। ओ, इसे कहते हैं शादी के बाद आत्मनिर्भर बनना, एक बार शादी तय हो जाने के बाद तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म
मदद दादाजी, ये शादी जल्दी से खत्म कीजिए वरना मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। सुनो, अब तुम लोग कोई नया पंडित ढूंढ लो, अब मुझसे इस उम्र में इतना सारा काम नहीं हो पाता है। ये देखो देखो, मेरी हड्डियाँ गल रही हैं। हमने बहुत ढूंढा था दादाजी, लेकिन हमें मिला ही नहीं। ओह, अब इस उम्र में मुझसे इतना ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हो पाता है। सुनो सुनो, अब तुम दोनों अपने भास वाले घर में चले जाओ, अभी तुम दोनों की शादी हो गई है। शादी हो गई है। अब बताओ कहाँ जाना है, अभी चलते हैं, कहाँ जाना है? चलिए, सारे मुद्दों पर बात तो हो ही चुकी है, लेकिन इतनी गर्मी में घर के अंदर तुमने अपने सिर पर टोपी क्यों लगा रखी है? वो मुझे ठंड लग गई है। ओ अच्छा अच्छा, सुनिए, हमें आपका बेटा बहुत पसंद है, हम अगले महीने ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अभी से ही मेरे व्यापार में मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये क्या, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है, सिर्फ एक चोटी है? नहीं 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 नहीं, चोटी वाला लड़का मेरा दामाद बनने वाला है, ये सुनते ही मेरी बेटी मेरा जीना हराम कर देगी। धत तेरी की, मैं भी बड़ी अजीब किस्मत लेकर पैदा हुआ हूँ। तुम कौन हो? मैं बदकिस्मत हूँ। उदास क्यों हो? मैं उदास का शौक से हूँ। अरे वाह, इसके तो छोटी है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कोई नौकरी वोकरी नहीं है तो उदास नहीं रहूँगा तो क्या नाचूंगा? मैं तुम्हें नौकरी दूंगा ना। सच में? तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी सिर्फ मर जाओ। क्या, मैं मर जाऊँ मतलब? अरे तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझना। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मरूंगा, जिंदा रहने पर अगर कोई नौकरी है तो दीजिए वरना मैं चलता। अरे 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 अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास मेरी तरह चोटी है और इस क्षेत्र में हमारे भूत समाज में मेरे अलावा और कोई भी पंडित नहीं है अभी तक, और तो और अभी मेरी काफी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि आज से मेरा सारा काम तुम ही संभालना। संभाल लोगे ना? क्या, भूतों के यहाँ नौकरी और मुझे यहाँ भी पंडित वाला ही काम करना पड़ेगा? मैं जा रहा हूँ। जा, चला गया। हाय 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 हाय, शादी है? हमारे बेटे की शादी है? दिमाग खराब है क्या? उसे मार मार कर अगर मैंने इंसान ना बना दिया तो फिर मेरा नाम भी हरिप्रसाद शर्मा नहीं। अरे पापा आ गए, मुझे भागना चाहिए। ये रहा, यहाँ आओ, अभी तुम्हारे सिर से मैं शादी का भूत ही भगा देता हूँ। अरे अरे अरे, वो सारा इंतजाम मैंने किया था, मैंने, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? तुम्हारे बढ़ावे की वजह से ही ये बहक रहा है। सुनो, यहाँ आओ मेरे पास, अब से मैं खेती बाड़ी का काम दूसरे आदमियों से नहीं करवाऊंगा, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा अपने खुद के हाथों से। क्या नहीं क्या नहीं, हाँ मैं दिन भर मेहनत करता रहूं और तुम यहाँ घर पर बैठकर आराम से रोटी तोड़ो। मैं तैयार हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझे कितने पैसे दोगे? मैं भूत हूँ, भला भूतों के पास भी पैसे होते हैं क्या, बोलो? तो फिर रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, ऐसे क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें हर रात एक सोने का सिक्का दूंगा, ठीक है? पहले सैंपल दिखाइए। ये देखो, देखता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको तो बस अपना काम पूरा करवाना है ना?
हाँ वो तो है। ठीक है तो फिर मैं हर रात यहाँ आऊंगा, अपना काम करूंगा और सुबह होते ही चला। इसका मतलब तुम मरोगे नहीं? आपके लिए मरना जरूरी है या पूजा करवाना? पूजा करवाना। ठीक है ठीक है, डील फाइनल। और वो? हाँ हाँ, हर रात एक सोने का सिक्का। अरे ये क्या, क्या तुम इन कपड़ों में पूजा करवाने जाओगे क्या? घर में यही बोलकर आया हूँ कि एमएन से जॉब करने जा रहा है। भूतों की नौकरी के बारे में बताता तो मुझे पागल खाने भेज देते। अब जरा मुझे मेरे क्लाइंट्स की डिटेल्स दे दीजिए। आज सूटकू की बेटी की शादी है, पता है, झुमरी तलैया शमशान घाट बास के बगीचों के बगल में ही है। ठीक है, अब जरा असली डिटेल्स दीजिए। ओके